Good evening everyone. So today we are back again with another video on current affairs. Our current affairs are mainly focused on various competitive examinations and for just upgradation of general knowledge. Now see, let's see the first question of the day. What is the rank of India in the Digital Quality of Life Index 2023 according to the cyber security firm Surfshark? Now see, even in the question itself there is an answer. First of all, there are most of the time what is asked in statement based, what is, you will be given only this Digital Quality of Life Index, then you will be asked about rank. Now certain times what happens, there are statement based question, and in those statement based question there will be questions from ki ye jo index hai ye kaun si institution nikalta hai, theek hai, then there are certain things into this index. Okay, now how is, what are the indicators of Digital Quality Life, Quality of Life Index? First, internet affordability. Now India is one of the country, after the launching of Jio, India became one of the least chargeable country in the matter of data. ठीक है, हम सबसे कम पैसे चार्ज करते हैं 1 GB डेटा के लिए. एक टाइम था जब हमसे मतलब कितने रुपए लगते थे, 30 रुपए में या 65 रुपए में आपको 300 MB का एक छोटा स्कूपन आता था, लेकिन आज हमारे पास में इतने में 65 में आपको 6 GB मिल जाता है डेटा. ठीक है, सो हमारे पास इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी है. दूसरा, इंटरनेट क्वालिटी. इंडिया हैज लॉन्च्ड 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंडिया ने खुद ने अपने सेमी कंडक्टर्स और सेमीकॉमी सब डेवलप करना शुरू कर दिया है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा लैग करता है. ठीक है, हमारे जो गवर्नेंस है, आज भी हम बैलेट पेपर पेपर वगैरह ज्यादा विश्वास करते हैं. हालांकि डिजिटल इंडिया करके बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंस को क्या, ई गवर्नेंस को क्या किया जा सके, एनहेंस किया जा सके. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी. नाउ सिक्योरिटी के मामले में इंडिया का ड्रॉबैक भी है और वो उसका पावर भी है. ठीक है, हम बहुत ही आउटडेटेड सिस्टम में चल रहे हैं अभी भी. ठीक है, सो इन सब की वजह से अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है, सो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर वो है 52. ठीक है, अभी 52 कैसे है आइए देख लेते नेक्स्ट स्लाइड में. सो हेयर इज सर्टेन इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट दैट इंडिया हैज रैंक 52nd आउट ऑफ 121 कंट्रीज, यानी 121 देशों में सर्वे किया गया, उसमें से इंडिया की रैंक कौन सी है, 52 है. ठीक है, अब ये किसके द्वारा किया गया, साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क. ठीक है, और ये सर्फशार्क कहाँ की है, नीदरलैंड. ठीक है, ये कहाँ की है, नीदरलैंड की है. उसके बाद में इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, सो इंडिकेटर्स आपके इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, ठीक है, और ई सिक्योरिटी. द टॉप 3 कंट्रीज दैट इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे आर डेनमार्क, साउथ कोरिया एंड फिनलैंड. नाउ ये जो डेनमार्क और फिनलैंड है ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, और इनका जो इंडेक्स होता है, एक तो पहली बात तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत छोटी कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन की बहुत कम है. ठीक है, और यहां पे रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, जिस वजह से यहां पे ये हर चीज में टॉप पर ही मिलेंगे आपको. सेकंड क्वेश्चन, हु हैज वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड फॉर अगस्त 2023 फॉर हिज एक्सेप्शनल शोइंग इन ओडीआईज अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड नेपाल. सो आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि इसका आंसर कौन है, पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम. ओके, सो हमारा आंसर होगा बाबर आजम. अब फैक्ट्स जान लेते हैं इनको क्यों मिला है. पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2023 फॉर हिज एक्सेप्शनल शोइंग इन ओडीआई अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड नेपाल. ओके, बाबर वॉन द ऑनर फॉर द थर्ड टाइम इन हिज करियर एज द वर्ल्ड नंबर वन बैटर कंटिन्यू डोमिनेट 50 ओवर फॉर्मेट फॉर द गेम. बाबर आजम हैज वॉन 3 मैन शॉर्टलिस्ट ऑफ द अवार्ड अलॉन्ग विद हिज टीममेट्स शादाब खान एंड वेस्ट इंडीज ही बिग हिटर निकोलस पुर्न एंड ही बीट देम बोथ फॉर द अवार्ड. नाउ बाबर आजम जो है ना, अभी फिलहाल की जो एशिया कप होता है उसमें इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बट हम उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोबारा मैच होगा तो उसमें एक अच्छा थ्रिलिंग मैच देखने को हमें मिले. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस IDP इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट. ठीक है, अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस क्या होता है, सो ये एक यूएन बेस्ड, ठीक है ना, ये एक यूएन बेस्ड क्या है आपका डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि आपका किसका है, टेररिज्म से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको खत्म करने के लिए. ठीक है, और उन पे नए मेजर्स निकालने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 सितंबर को. ठीक है, इस साल का. अब देखिए क्वेश्चंस में आपसे
आज के जो दौर है ना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, सो यू वॉन्ट बी जस्ट आस्क द डेट, यू विल बी ऑल्सो आस्क अबाउट द थीम. ओके, द एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स. ओके, तो इसका आंसर क्या हमारा 21. सो हमारे पास 21 सितंबर इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाउ मेनी अटल आवासीय विद्यालय अक्रॉस यूपी. नाउ सी, अटल आवासीय विद्यालय, दिस नेम अटल, ओके, इट्स टेकन फ्रॉम द अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. He was the one of the most exceptional person India can ever get. He was the main person behind the Sarva Shiksha Abhiyan. He highly emphasized on giving education to people. Okay, so अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया गया था, जिसमें इन्होंने 6 से 14 वर्ष की आयु की वर्ष के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था. ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने, आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, आजकल जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं सबके अंदर ATL है, अटल थिंकिंग लैब्स, ओके, जहां पे बच्चों को इनोवेट किया जाता है. ठीक है, इसी के अलावा अटल थिंकिंग मिशन है, जहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है या फिर स्किल्स डेवलप की जाती है. ऐसे आपका क्या है, अटल आवासीय केंद्र. अब ये अटल आवासीय विद्यालय उन बच्चों के लिए हैं जिनके, या तो जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड टाइम पे खो दिया हो, या फिर जो सड़क किनारे बच्चे जाते, भीख जो बच्चे होते हैं भीख मांगते हैं या फिर अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं, उन बच्चों के लिए. ठीक है, आवासीय मतलब कि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल होगा, एजुकेशन कम रेसिडेंशियल स्कूल, यानी बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे भी और यहाँ पर रहेंगे भी. ठीक है, पूरा का पूरा जो खर्चा बेयर किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा. ठीक है, तो कितने किए हैं वहां पे अभी, ठीक है, सो आपका आंसर आएगा 16. अभी देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 16 आवास अटल आवासीय विद्यालय बिल्ट अक्रॉस यूपी. दीज आर बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ओवर 1100 करोड़ टू फर्दर एनहेंस एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड ऑर्फेंस ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक. बेटा ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही आपको औरों से अलग बनाएंगे. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे वन लाइनर्स क्वेश्चन बहुत कम आ चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल अगर आप देखेंगे ना, एक हम एक वीडियो लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, वहां पे भी आप देखेंगे स्टेटमेंट्स दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर. इसका अगर स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में, तो आपको जब तक प्रिसाइज नॉलेज नहीं होगा आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक इन विच स्टेट. सो हमारा आंसर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश. ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शिलारू. शिलारू के अंदर एक बहुत ही हाइट के ऊपर एक हॉकी ग्राउंड कम एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है. ठीक है, सो ऐसे आपके जो लेन्स होती हैं, ये ऐसी 6 लेन है. ठीक है, तो ये हॉकी स्टेडियम कम एथलेटिक ट्रैक है, इसके बारे में जान लेते हैं. द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द न्यूली बिल्ट 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इन शिलारू हिमाचल प्रदेश. अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये कौन सा इंस्टीट्यूशन इंडिया का ऑन करता है, तो आपका आंसर होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दूसरा ये कहां पर है, तो ये है आपका शिलारू हिमाचल प्रदेश के अंदर. और तीसरा, इट विल बी द फर्स्ट, ठीक ना, इट विल द फर्स्ट ट्रैक टू बी बिल्ट एट एल्टीट्यूड ऑफ 8,000 feet, यानी लगभग 5 से 6 किलोमीटर की हाइट पर जो बनाया गया दुनिया का, भारत का पहला ये क्या होगा आपका ट्रैक होगा. उसके बाद इट विल एनेबल एथलीट्स टू एक्लेमेटाइज टू हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस एंड एनहेंस देयर एंड्योरेंस स्टेमिना एंड क्विक रिकवरी आफ्टर इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस. ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गृह आधार स्कीम इन द स्टेट टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग ऑफ हाउसवाइफ. आंसर देखने से पहले हम एक बार जान लेते हैं यहां पर. सो एक गृह आधार स्कीम क्या है, ठीक है, सो आप इसके अंदर जो गृह मीन्स यहां पर गृहिणी की बात हो रही है, हाउसवाइफ्स की बात की जा रही है. ठीक है, अब उनको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे इस स्कीम के अंदर. पहला बेनिफिट, प्रोवाइड सपोर्ट टू हाउसवाइफ होम मेकर्स फ्रॉम मिडिल लोअर मिडिल एंड पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. यानी कि ये स्पेशली किसके किसके लिए है, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल के लिए और पुअर सेक्शन के लिए. ठीक है, सो अगर
ऑप्शन में आता कि अपर सेक्शन भी है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों के लिए है। दूसरा क्या है, अब मंथली सपोर्ट ग्रांट ऑफ रुपीज 1500 टू हाउसहोल्ड्स हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 3 लाख। अब जिन घरों की तनख्वाह, जिन घरों में जो एनुअल इनकम है 3 लाख से कम होगी, उनको मंथली कितने रुपए मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में, 1500। तीसरा, मोर देन 1.5 लाख बेनिफिशियरीज इन 2019, और 2019 में इसके कितने थे, 1.5 लाख तक बेनिफिशियरी जिन्होंने इसका लाभ उठा, लाभार्थी थे, ठीक। नेक्स्ट, अप्रोच फॉर्म्स आर अवेलेबल विद द डायरेक्टरेट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये यहाँ मिलेगा क्या, बहुत जगह क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपके, डायरेक्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये है कहाँ पर, ये कहाँ की स्कीम है, सो ये आपका गोवा का, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज लॉन्च द गृह आधार स्कीम इन द स्टेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गृह आधार स्कीम इज टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग ऑफ हाउस वाइफ, रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। द गृह आधार इनिशिएटिव लेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट। हाल अभी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी अभी हमने क्या पास किया है, WRB, Women Rights Bill, ठीक है, Women Rights Bill, यानी 33% हमने क्या कर दिया, Women's को कोटा दे दिया है into Parliament and State Legislature, ठीक है। So, इस वजह से जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं जो Women Empowerment की बात करते हैं, वो important हो जाते हैं, ठीक है। हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें जो कि पूरी पूरी बेस्ड होगी Women Rights Bill के ऊपर, की इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी ने कल बोला और ये फैसला हो गया, नहीं, ये बहुत ही पीछे चलता हुआ आ रहा था, 1980 से शुरू हो रखा था, ठीक है। प्रधान उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद राजीव गांधी ने शुरुआत की, उसके बाद अटल जी ने शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी ने इसको करना चाहा, लेकिन उसमें बीजेपी ने रोक दिया। उसके बाद में फिर दोबारा से कांग्रेस ने लाना चाहा, लेकिन फिर से बीजेपी ने रोक दिया। अब बीजेपी इसको लेके आ रही, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI हैज अनाउंस्ड द एज द स्कीम डैश एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023-2026। सो यहां पे आपका आंसर है SBI Life। नाउ अब पॉइंट देख लीजिए, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज अनाउंस्ड SBI Life एज वन ऑफ द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023। ओके, सो अब SBI को इन्होंने प्रमोट किया, दैट मींस कि एक प्रकार से SBI क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, तो जो जर्सी होगी इंडियन टीम की उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे SBI का लोगो बना हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड द MOU विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट टू डेवलप एन एमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब इनमें से किसने एक MOU साइन किया है वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के साथ में, जो ताकि क्या किया जाए, एक डेवलप इंजीनियरिंग एमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम को डेवलप किया जाए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर है इंडियन ग्लोबल फोरम एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू डेवलप एन एमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम। द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन कल्टिवेटिंग एंड फॉस्टरिंग थॉट लीडरशिप, प्रोड्यूसिंग रिसर्च ऑन एमर्जिंग ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट पर्टेन द ग्लोबल साउथ। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ग्लोबल फोरम। Now let's look at the next question. What is the theme of World Alzheimer Day? Now see, the today's world is basically most of dependent on stress, and stress is all about your head. ठीक है, बहुत बार हम जब stress ज़्यादा हो जाते हैं, anxiety में जा जाते हैं, क्योंकि आज के time पे pressure बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद में लोग freely नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड ये ओल्ड एजेस में, अभी तो मतलब क्या, अभी ओल्ड एज भी नहीं, अब मैं बोलूंगा जो अधेड़ अवस्था होती है, ठीक है ना, या फिर मिड 40s है, या फिर मिड 30s है, उनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होती है। सो ये प्रॉब्लम किसकी है, अल्जाइमर की। अल्जाइमर में यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, आप चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर डे, सो वर्ल्ड अल्जाइमर डे का थीम क्या था, ठीक है। अब अल्जाइमर एक चूंकि एक प्रॉब्लम है, बहुत से कंट्रीज पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वह इसके बारे में जान लेते पहले। सो वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 21 एवरी ईयर
टू रेज अवेयरनेस अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज. सेकेंड द थीम वॉज नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. अब अल्जाइमर होता क्या है? सो अल्जाइमर डिजीज इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन अबनॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड बेटा एमोलाइड बिल्ड अप इन द ब्रेन सेल कॉजिंग देम टू श्रिंक एंड इवेंचुअली डाई. ठीक है, सो ये आपके किस पे न्यूरोलॉजिकल यानी आपके ब्रेन रिलेटेड इश्यू है. ठीक है, और ब्रेन रिलेटेड इश्यू होने की वजह से आप चीजें फॉरगेट करना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली उससे क्या हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है. ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, इट्स नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसाला टेंपल्स हैव बीन रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट. ओके, नाउ होयसाला आपका कहां से रिलेटेड है? सो अभी रिसेंटली हमारे बहुत से मॉन्यूमेंट्स किसमें ऐड किए गए, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड किए गए. ठीक है, सो उनमें से एक कौन है आपकी, ये टेंपल्स हैं. आप इन टेंपल्स के सॉरी आर्किटेक्चर देख सकते हैं. ठीक है, और ये बिना किसी मशीन्स के बनाया गया है, हैंडमेड है ये सब के सब. ठीक है ना, यानी हाथों से इनको तराशा गया है. सो अभी है कहां पे, तो ये है कर्नाटका में. पहले बार देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. द सेक्रेट एंसेलम्स ऑफ द होयसाला, द फेम्ड होयसाला टेंपल्स ऑफ बेलूर हेलेबेड एंड सोमनाथपुरा इन कर्नाटका हैव बीन एडेड टू द यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. दिस इंक्लूजन मार्क्स द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. ठीक है, अब यहां पे तीन क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके. पहला कि कौन कौन सी आपकी साइट्स हैं, दूसरा कौन करता है, सो ये यूनेस्को करता है, तीसरा कौन सा वह साइट है, ये 42nd है. ठीक है ना, एंड कम्स आफ्टर जस्ट अ डे आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन. इवन शांति निकेतन जो कि आपका कहा है वेस्ट बंगाल में, उसको भी क्या किसका दर्जा मिल चुका है, आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का. यानी 41st कौन सी आपकी, शांति निकेतन, 42nd कौन सा हो जाएगा आपका, होयसाला टेम्पल्स. ओके, now the temple were finalized as India's nomination for consideration as World Heritage for the year 22 and 23. The sacred ensigns of the Hoysala have been UNESCO's tentative list since April 15, 2014. Now UNESCO के इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट WHS में इनको डाल दिया. फायदा क्या होता है इससे, फायदा ये हो जाता है कि वो जो साइट होगी, वो जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट होगा, वो अब एक दुनिया की धरोहर है. ठीक है, और दुनिया की धरोहर होने की वजह से उसको संरक्षण मिलेगा, उस पर ज्यादा क्या मिलेगा, फोकस किया जाएगा. ठीक है, और ये डिके नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगी, आप लोग जुड़े रहिए. और ये हमारा अब हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपको डेली का डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवा सके, जो आपके एग्जाम्स में क्या होगा, हेल्पफुल होगा. टिल देन टेक केयर, जय हिंद.